हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज़ आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और यहाँ पर बन गई है आलू की सूखी वाली सब्ज़ी, क्योंकि कान्हा को खानी थी तो मैंने आलू उबाल कर और जीरे राई में सूखी वाली सब्ज़ी बना दी है। और मैंने गैस भी बंद कर दिया है और यहाँ पर लगा लिया है आटा। अब मुझे रोटी सेकना है खाना के लिए, खाना खाएगा वो। और यहाँ पर मैंने खाना खिला दिया उसको, तो वो अपने हाथ से टैबलेट खा रहा था और ये टॉनिक भी पी रहा था, लेकिन फैला देता है, इसीलिए फिर मैं आई। मैंने कि मैं दे देती हूँ और तुम पी लो। वैसे पीने में कोई दिक्कत नहीं है, उसको पी लेता है, दो दिन से वो ही पी रहा था, लेकिन क्या फैला देता है, तो इसीलिए मैं उसको डांट रही थी कि एक मिनट रुक जा, मैं दे देती हूँ। लेकिन उसको कहाँ, बहुत जल्दबाजी रहती है दवाई खाने की भी, क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो गई थी और कमज़ोर भी है। तो डॉक्टर ने ये वाली टॉनिक दी है, इससे क्या उसकी भूख खुल जाएगी, तो दो तीन बार खाना खाने लगे। ये सुबह शाम ही खाना खाता है, तो इसीलिए इसको ये टॉनिक दी है कि जिससे उसकी मतलब खाना खाने की ज़्यादा हो, कि उसको भूख लगने लगे। तो बस यहाँ पर उसको मैंने दवाई पिला दी है और ये टैबलेट दी थी तो टैबलेट भी उसको खिला दी है। और ये है रात का वीडियो। इसके बाद मैं थोड़ा लेट गई थी, तो फिर रात में ही शाम को ही उठी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे भी कमज़ोरी सी, मतलब सिर दर्द भी और कमज़ोरी से महसूस हो रहा था, तो मैं लेट गई थी। और फिर इसके बाद ये लेकर आए थे जो हरे वाले चने रहते हैं वो वाले, तो और साथ में लेकर आए थे जो कांटे वाले लकड़ी रहती है ना सूखी वाली वो भी। तो फिर दी अरे चाय और खाना, कहने लगे कि आपसे एक दो मम्मी हुला खाएंगे हम लोग। तो मैंने उनसे कहा कि अभी सेक दो नहीं, वैसे वो बोल रहे थे सुबह सेक देंगे, लेकिन फिर उन्होंने कहा चलो ठीक है, सुबह क्या पता टाइम रहेगा या नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी निकल जाते हैं। तो बस यहाँ पर उन्होंने जो लकड़ी सूखी वाली थी उन पर ही ये हरे वाले चने डाल दिए हैं और बहुत अच्छे से सिक जाते हैं, क्योंकि सूखी है लकड़ी कांटे वाली तो कोई दिक्कत नहीं होती है। वैसे ये होले तो ले आओ, लेकिन ये लकड़ी नहीं मिलती है, तो ये लकड़ी साथ में लेकर आए थे, तो इसीलिए कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। और गैस पर सेक कर खाओ, लेकिन वो टेस्ट बिल्कुल नहीं आता जो इस तरीके से सेक कर खाने में आता है। बहुत टेस्टी लगता है इस तरीके का होला, आप लोग भी जरूर इस तरीके का खाएं। वैसे तो हम लोग गांव चले जाते, लेकिन इस बार फिर हम गांव भी नहीं गए जा पा रहे हैं, तो फिर ये गए तो वहीं से लेकर आ गए होला। और यहाँ पर बस सेक रहे हैं, पहले एक बार और लेकर आए थे ये हरे वाले चने, तो फिर हम लोगों ने उसकी सब्ज़ी बनाई थी और थोड़ी बहुत तोड़कर गैस पर सेकी थी, लेकिन वो टेस्ट नहीं था जो इस तरीके से सेक कर आता है। और साथ में लकड़ी लेकर आए थे तो और अच्छी बात है, नहीं यहाँ कहाँ घूमते रहो ढूंढने के लिए, लेकिन नहीं मिलती यहाँ कांटे वाली लकड़ी, जरेंटा बोलते हैं हम लोग उनसे। और ये देखिए सिक गया है, कोई टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत सूखी थी तो जल्दी जल गई है वो लकड़ी भी, और होला बन गया है पूरा। नीचे जो घंटी होती है पूरी टूट कर गिर गई हैं, बस थोड़ा सा रह गया है, अब वो भी सिक जाएगा। तो ये काना देखिए अखबार दे रहे हैं कि आप पापा नीचे ही लगा दो तो और जल्दी जलने लगेगा, लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे से जल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और यहाँ पर हम सेक ले रहे हैं होला,
और ये देखिए कितनी तेज लकड़ी जलने लगी हैं, बहुत ज़्यादा। तो बस ये उनको अलग कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा तेज़ जलेंगी तो होला नीचे का पूरा काला पड़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने साइड में कर दी हैं कि जिससे मतलब बहुत तेज़ हो गया था, एकदम आग पकड़ ली उसने। तो बस कच्चा होगा, हम अभी देख लेंगे कि अगर कच्चा है तो जो छोटी छोटी लकड़ी है ना, छोटी वाली, उनको इकट्ठा कर कर और फिर हम आग लगा देंगे, तो जो जितना भी कच्चा है तो अच्छे से सिक जाएगा। लेकिन ये बड़ी वाली लकड़ी जलती तो बहुत ज़्यादा आँच हो जाती, तो पूरा काला हो जाता, इसीलिए उन्हें साइड में कर दिया है। और अभी हम देखेंगे, क्योंकि अभी ठंडा हो रहा है थोड़ा, तो मैं उसको झाड़ू से साइड में कर दूँगी सबको, फिर साइड में इकट्ठा करने के बाद ऊपर से हम लकड़ियाँ जला देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा जो नीचे चने गिर गए हैं घेटी उनकी, तो अभी अच्छे से सिकी नहीं हुई हैं, और लकड़ी बहुत तेज़ जल रही थी, इससे जो सिक गई हैं वो बहुत ज़्यादा जल जाती हैं। तो बस मैं इकट्ठा कर कर और जो ऊपर लकड़ी हैं वो रख दूँगी, इसके बाद अखबार जला कर उन पर, तो जल्दी सिक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा और जलेगा भी नहीं। मैंने स्पीड कर दी है तेज़, क्योंकि टाइम बहुत लगता है होला सेकने में, तो बस वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसीलिए मैंने वीडियो को तेज कर दिया है स्पीड उसकी। और ये देखिए अभी भी कितनी तेज जलने लगी वो लकड़ियाँ। क्योंकि गांव पर तो मेरे पापा सेकते थे, तो मुझे मतलब कभी सेकने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और हम लोग खेत पर ही जाकर होला सेकते थे, वहीं पर खाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। ये जब हम लोग सेक रहे थे तो मुझे पूरी गांव की याद आ गई एकदम, कि मतलब इस टाइम पर हम लोग होला खाने के लिए खेत पर जाते थे। बस सिक चुका है, तो अब यहाँ पर मैंने जो लकड़ी जल रही थी उसको साइड में कर दिया है, और सूपे से इसको साफ कर दूंगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जो जलती है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल सी हो जाती है राख, तो इसीलिए इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है, इतना कचरा हो जाता है बहुत ज़्यादा। जिस जिसको होला खाना है तो आ जाएं, गरम गरम होला किसको पसंद है कमेंट में ज़रूर बताएं, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और मेरे बच्चों सभी को पसंद है, हमारे घर पर सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है होला। और ये देखिए खाना तो शुरू हो गए हैं खाना, आप लोग मेरी वीडियो एंजॉय कीजिए जब तक मैं होला को कर ले रही हूँ साफ। देखिए खाना की मस्ती, सामने रिया बैठी है तो वो बोल रही है कभी मसाले से खाना इस तरीके से अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, उसको तो खाना है गरम गरम ही, मसाले से बाद में खाएगा बोल रहा था और उसको चिढ़ा रहा था। ये साफ हो गया है, तो मैंने भगवानी मंगाई उसमें भर कर रख दूंगी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही साफ करना पड़ेगा, उसमें बहुत ज़्यादा धूल निकलती है। ये देखिए कितनी धूल है उसमें, और पूरे में उड़ता है तो और ज़्यादा। और बस यहीं पर करूंगी मैं आज का वीडियो एंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता, आप लोग देखते भी नहीं हैं, इसीलिए अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और बाय।